हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, वन से 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डीएक्स. तो इसे कैसे करें, आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें आपका फंक्शन यदि हम एक साथ करना चाहें, चलिए b माइनस ए किसके इक्वल होगा, 4 माइनस 1 के इक्वल, 3 के इक्वल. h किसके इक्वल हो जाएगा, b माइनस ए डिवाइड बाय n, और b माइनस ए कितना है आपका 3 डिवाइड बाय n. क्लियर. मैं इसमें स्टार्टिंग में ही वैल्यू निकाल रहा हूं, f ऑफ a कितना होता है आपका, a क्या है आपका, a आपका है 1. f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी रहेगी, पहले फंक्शन देखिए, फंक्शन कितना है इसका, फंक्शन है आपका x स्क्वायर माइनस x. सबसे पहले आता है आपका f ऑफ a, f ऑफ a मतलब a किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1. क्लियर. एफ ओ ए प्लस एच, ए आपका 1 है और h कितना है 3 बाय n, तो रखें वैल्यू, आप इसे 1 माइनस 1 0 ना करें क्योंकि हमारा सीक्वेंस खराब हो जाएगा, सीक्वेंस टूट जाएगा. तो आप x की जगह रखें 1 प्लस 3 बाय n का स्क्वायर, और x की जगह क्या रखें 1 प्लस में 3n, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय n का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3 डिवाइड बाय n. a प्लस b का होल स्क्वायर आपने ओपन कर लिया, माइनस 1 प्लस में 3 डिवाइड बाय. ये तो 1 माइनस 1 सारों में ही 0 हो जाएगा, सभी टर्म्स में आएगा, कर सकते हैं इसे 1 माइनस 1 0, तो आप इसे ब्रैकेट को ओपन कर लें, क्या हो जाएगी ये 1 से 1 कैंसिल आउट, इसके कुल रहा आपका 3 स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड बाय n माइनस 3 बाय. क्लियर है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हुआ आपका 3 स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3 बाय एन माइनस 3 बाय एन. इसके बाद है आपकी वैल्यू एफ ए प्लस 2 एच, ए है आपका 1, एच है आपका 3 बाय एन. रखें वैल्यू फंक्शन में, एच की जगह ये रखेंगे 1 प्लस 2 इंटू 3 बाय एन का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 बाय एन. क्लियर. तो क्या रहेगा इसमें, इसका स्क्वायर खोलें 1, ए प्लस बी का स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाय एन माइनस 1 माइनस 2 इंटू 3 बाय एन. 1 से 1 कैंसिल आउट. तो क्या बचे आपका f ऑफ a प्लस 2h, a 2h की वैल्यू रहेगी 2 स्क्वायर. थोड़े टर्म्स ज्यादा हो चुकी हैं इसमें, थोड़ा ध्यान से करें, कोई सी टर्म मिस ना हो जाए. n स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2 इंटू 3 n माइनस 2 इंटू 3 बाय एन.
क्लियर है. नेक्स्ट सबसे लास्ट में हम कौन से लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में एच, ये लेते हैं. अच्छा ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू वन है इसमें और एच की वैल्यू थ्री बाय एन. तो फंक्शन में रखें एक्स स्क्वायर, तो सारे का स्क्वायर वन प्लस एन माइनस वन थ्री बाय एन का स्क्वायर माइनस में एक्स, अगेन सारा माइनस में. ओपन करें, जैसे हर पहली तीनों टर्म्स में हमने किया है, इस वन से तो ये वन, क्यों वन का स्क्वायर ओपन करेंगे वन ही आएगा, तो वन स्क्वायर माइनस वन ये तो जीरो हो जाएगा. सेकेंड टर्म में क्या रहेगा, इसका स्क्वायर एन माइनस वन का स्क्वायर इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू एन माइनस वन इंटू में थ्री अपॉन में एन, ये वन तो कैंसिल आउट हो चुका है, बाकी बचा ये माइनस एन माइनस वन इंटू में थ्री डिवाइड बाय. ओके अब आप इसे एफ ऑफ ए जीरो याद रखना, इसे एफ ऑफ वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, वन से लेके कितना है फोर है लिमिट. क्या रखते हैं हम बी माइनस ए, बी माइनस ए तो फोर माइनस वन है आपका, फोर माइनस वन थ्री, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन बाय एन एफ ऑफ ए, मतलब एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन कितना था आपका जीरो, मैंने भी साफ किया आपको. उसके बाद है एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस एच की कितनी वैल्यू है ये आपकी, ए प्लस एच की वैल्यू है ये थ्री स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री डिवाइड बाय एन माइनस थ्री बाय एन. फिर है ए प्लस टू एच, ए प्लस टू एच की वैल्यू, ए प्लस टू एच की ये सोल्व की है, सोल्व करके ये लिखी है सबसे ऊपर टू स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू इंटू टू इंटू थ्री एन टू इंटू थ्री डिवाइड बाई एन. क्लियर. अगला है लास्ट में कौन से टर्म लिखते हैं हम, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच, तो इसकी वैल्यू क्या आई है सोल्व करके, एन माइनस वन का स्क्वायर थ्री स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू इंटू एन माइनस वन इंटू थ्री अपॉन एन, एन माइनस वन इंटू थ्री अपॉन में. स्क्वायर वाले टर्म्स देखिए, थ्री स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये टर्म्स हैं. इन सब में देखिए थ्री स्क्वायर बाय एन स्क्वायर कॉमन है, तो यहां क्या बचा वन, यहां क्या बचा टू स्क्वायर, लास्ट में क्या है एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये वन स्क्वायर है. क्लियर. नेक्स्ट में 2 इंटू थ्री बाय एन, जिन्हें मैंने डबल अंडरलाइन किया है, इन सारी टर्म्स में क्या चीज कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 बाय एन कॉमन है. यहां तो 1 बचा, 2 भी कॉमन, 3 भी कॉमन, एन भी कॉमन, 2 बचा और लास्ट तक कहां तक एन माइनस वन प्लस में लास्ट टर्म जो माइनस वाले टर्म है, इन सब में क्या चीज कॉमन है, थ्री बाय एन माइनस में, तो यहां तो वन बचेगा, यहां टू बचेगा प्लस में, क्योंकि माइनस आपने बाहर कॉमन ले लिया है, अब टू लास्ट में, इसमें भी लास्ट में एन माइनस वन. क्लियर. सर साफ करते हैं. थ्री लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
1 by n, 3 square by n square, 1 square, 2 square, up to plus n minus 1 का square, हमने first three questions में किया था, किसके इक्वल होता है ये, n minus 1 into n into 2n minus 1, अपॉन में 6 के, भाई देखिए 1 square plus 2 square plus 3 square किसके इक्वल है, up to n square, किसके इक्वल होता है, n into n plus 1, और 2n plus 1 by 6 के इक्वल, ये आपने किया हुआ है, अब आप n की जगह क्या दिया हुआ इसमें n minus 1 तो जहां पे भी n है n minus 1 पुट कर दें तो आपकी यही वैल्यू आएगी two into three six by n अंदर अंदर भी क्या बचेगा n minus 1 n divided by 2 minus में 3 by n इसमें भी 1 plus 2 plus 3 up to n minus 1 है तो इसका सम भी कितना होगा n minus 1 n divided by 2 n से n cancel out इस n से ये cancel out लेंथ ही हो गया क्वेश्चन थोड़ा n से n cancel out इस n को अंदर ले जाएं 3 square divided by 6 3 square को क्या लिख सकते हैं 9 by 6 ठीक है अब यहां पे कितने हैं एक n अंदर आके n square हो जाएगा तो एक n को तो इसके अंदर लिख ले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो आसान आएगा 2n square minus 2n minus n minus 3n plus 1 divide में n और n n square 3 n इसके divide में जाएगा n minus 1 divide by n minus 3 by 2 n minus 1 divide by n clear three limit n approaches to infinity 3 by 2 n square को सभी terms के divide में लिखें n square minus 3 n by n square plus 1 by n square से n square cancel इसमें n आएगा divide में n by n minus 1 by n ये 1 बचा अब 1 by n किसके इक्वल होता है जब n approaches to infinity है तो 1 by n क्या होगा 1 by infinity क्या होगा 0 तो जहां पे भी n divide में है अंदर उसे आप 0 के इक्वल पुट कर लें 3 ये 3 तो ये है 3 by 2 ये तो n square cancel out है तो यहां तो खाली 2 है ये भी 0 2 minus 0 0 n से n cancel out ये तो 1 बचा 1 by n 0 हो जाएगा ये 1 है और 1 by n ये भी 0 तो क्या होगा 2 से 2 cancel out 3 plus 3 minus 3 by 2 कितना होगा 9 by 2 27 by 2 तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4th का देखते हैं एक्सरसाइज 7.8 कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है इसमें 7.8 यही आंसर है 27 by 2 अब ध्यान से करें इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखिए माइनस 1 टू 1 ex dx तो b माइनस a किसके इक्वल है
1 माइनस a की वैल्यू माइनस 1 है तो 1 माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 1 माइनस माइनस 1 करेंगे तो 2, h की वैल्यू b माइनस a डिवाइड बाय n, b माइनस a कितना 2 डिवाइड बाय n, तो किसके इक्वल है ये ex dx माइनस 1 टू 1, b माइनस a लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाय n f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h, इसके इक्वल होता है ये फॉर्मूला है आपका। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे b माइनस a कितना है 2 है, 1 बाय n f ऑफ a कितना है माइनस 1, a की जगह माइनस 1 रखें, h की जगह 2 बाय n, टू इंटू टू बाय एन आपने a की वैल्यू और h की वैल्यू उसमें पुट कर दी। अब आपको फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन आपका है e की पावर x, f ऑफ माइनस 1 कितना होगा e की पावर माइनस 1, f ऑफ माइनस 1 प्लस 2 डिवाइड बाय n, ये किसके इक्वल होगा, तो x की जगह आप ये रख दें सारी वैल्यू e माइनस 1 प्लस में 2 डिवाइड बाय n। अच्छा एक चीज और है, इसमें e की पावर माइनस 1 को आप अलग लिख सकते हैं इनटू में e की पावर 2 बाय n, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, पावर थी जब भी किसी उसकी आपकी वेरिएबल की पावर एडिशन में हो a प्लस b तो आप क्या लिख सकते हैं इसे x की पावर a इंटू में x की पावर b, तो आपने सिंपली क्या किया इसे सेपरेट कर ली पावर्स को, f ऑफ माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 बाय n क्या रहेगा e की पावर में ये सारा आएगा माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 बाय n, तो आप क्या लिखेंगे e की पावर माइनस 1 को तो अलग लिखेंगे इंटू में e की पावर 2 इंटू 2 डिवाइड बाय n को अलग लिखेंगे। लास्ट फंक्शन में क्या है माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में 2 डिवाइड बाय n, इसमें भी e की पावर माइनस 1 तो अलग लिख लें इंटू में e की पावर ये टर्म्स अलग लिख लें, क्लियर है। अब ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये सारी वैल्यूज जो भी आपने फाइंड आउट की हैं रखें, इज इक्वल टू 2 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाय n f ऑफ माइनस 1 कितना है e माइनस 1 प्लस में f ऑफ माइनस 1 प्लस 2h किसके इक्वल है e की पावर माइनस 1 इंटू में e की पावर 2 बाय n, नेक्स्ट e की पावर माइनस 1 इंटू में e की पावर 2 इंटू 2 बाय n, और लास्ट में e की पावर माइनस 1 e की पावर n माइनस 1 इंटू 2 बाय n। इन सभी में देखिए e की पावर माइनस 1 कॉमन है तो आप इसे बाहर ले लें e की पावर माइनस 1, तो क्या बचे यहां 1 प्लस e की पावर 2 बाय n 2 इंटू 2 बाय n e की पावर n माइनस 1 इंटू 2 बाय n। अब ध्यान से देखें जो ब्रैकेट के अंदर सीरीज आई है ये कौन सी सीरीज है, ये आपकी जीपी सीरीज है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसमें फर्स्ट टर्म तो आपकी 1 है और रेशियो किसके इक्वल है इसे डिवाइड करें 1 से,
ये रेशियो है, आप चाहे इसे इसे डिवाइड कर लें तो भी 4 बाय एन में से 2 बाय एन माइनस होगा, इनकी पावर 2 बाय एन बचेगी आपकी। तो इसका सम क्या होगा आपका, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अच्छा, ए की पावर माइनस वन है तो इसे मैं नीचे लिख रहा हूं एन ई, ये टोटल टर्म्स एन है। सम कितना होता है जीपी का, ए आर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, ये आपका एन टर्म्स का सम होता है। ए तो आपका कितना है, फर्स्ट टर्म ए तो वन है, आर आर कितनी है, ए की पावर टू बाय एन, और सारे की पावर क्या रहेगी, एन रहेगी, माइनस में वन डिवाइड में आर माइनस वन, आर क्या है, ए की पावर टू बाय एन माइनस वन, इस एन से ये कैंसल आउट आपका। इसी को मैं बाहर लिख रहा हूं, कॉन्स्टेंट है वन बाय एन। तो यहां क्या बचा, ई की पावर टू माइनस वन डिवाइड बाय ई की पावर टू बाय एन माइनस वन, ठीक है ना। अब देखिए ई स्क्वायर माइनस वन, ई स्क्वायर माइनस वन भी आपका कॉन्स्टेंट है, इसे भी आप बाहर लिखिए, इसमें लिमिट का कोई लेना देना नहीं है इस टर्म से। यहां क्या बचेगा, ये सारा कॉमन ले लिया आपने, ये तो वन बचेगा आपका डिवाइड बाय ई की पावर टू बाय एन माइनस वन। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, देखिए e की पावर लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो e की पावर एच माइनस वन, ये किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल, ठीक है ना। h ले सकते हैं, n लेना चाहे तो n ले सकते हैं, n शायद n की टर्म्स में ही आपने ये फॉर्मूला किया है, क्लियर है। तो अब इसे इस फॉर्म में बनाना है, कैसे करेंगे हम, इज इक्वल टू टू ई स्क्वायर माइनस वन अपॉन ई लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन अपॉन ई की पावर टू बाय एन माइनस वन। अच्छा ये वन बाय एन है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं वन बाय एन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापिस ये कहां पे जाएगा, यहीं पे आएगा, ये यहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने इसे लिख लिया, क्योंकि डिवाइड में जो ई की पावर में है वही हमें डिवाइड में चाहिए, ई की पावर में क्या है टू बाय एन, और ये तो वन बाय एन है तो इसे टू से मल्टीप्लाई यहां भी कर लिया और टू से मल्टीप्लाई यहां भी कर लिया, क्लियर है। लेकिन अब आप ये कहेंगे सर बाकी तो आपने कर लिया सारा, लेकिन लिमिट क्या है, एन अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है ना। ध्यान से देखें, यहां लिमिट एन अप्रोचेस टू जीरो है तो यहां फंक्शन क्या है आपका एन, और यहां पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो ये क्या है वन बाय एन। अब जब आप वन बाय एन को वन बाय इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर। तो ये वही फंक्शन बन गया जो आपका ये था, आप वन बाय एन को यदि y पुट करना चाहें तो कर सकते हैं, तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो y अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा वन बाय इन्फिनिटी जीरो, और ये क्या बन जाएगा टू वाई, और ये भी क्या बन जाएगा टू वाई, क्लियर, वही फंक्शन बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगी वाई अप्रोचेस टू जीरो। तो लेकिन ये सारा आप सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने का मकसद था, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो। यदि आपके यहां लिमिट एन अप्रोचेस टू जीरो है और आप कभी सोचेंगे यहाँ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो यदि यहाँ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो यहाँ पावर भी 2 बाय n है, 2 की पावर n, e की पावर n नहीं है। ये तो सारा हो गया 1 आपका, इस 2 से ये कैंसल, e स्क्वायर माइनस e डिवाइड बाय n, तो e से डिवाइड कर लें, e स्क्वायर डिवाइड बाय e माइनस 1 बाय e,
e minus 1 by e. देखिए आंसर इसका 7.8 e minus 1 by e, ये इसका आंसर है. जीरो से फोर एक्स प्लस ई एक्स. अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन हमने फोर्थ भी किया था जिसमें दो फंक्शंस थे, इसमें भी दो हैं. लेकिन आप, हमने फोर्थ किया था थोड़ा उसमें लेंथी लगा था, हमें लेंथी हुआ था, तो आप थोड़ा इजी करने के लिए कि कहीं आपसे मिस्टेक ना हो, आप इसे टू पार्ट्स में कर सकते हैं. जीरो से फोर एक्स डी एक्स, जीरो से फोर ई की पावर टू एक्स डी एक्स. क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन नंबर वन किया है आपने उस तरीके से कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर टू किया वैसे कर सकते हैं, और इस पार्ट को आप अपने आप ट्राई कीजिए. अभी मैंने किया है, कौन सा क्वेश्चन किया है, फिफ्थ क्वेश्चन किया है, तो उसमें e की पावर x था, इसमें सिंपली e की पावर 2x है, बाकी क्वेश्चन वैसे ही होगा. ये तो इसे आप अपने आप ट्राई कीजिए. थैंक यू.